वेलकम बैक। मस्ती और धमाल जारी है। एक्सपर्ट प्रोटेक्शन इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड। तो जाना है ना, जा। हाँ, खाओ का मेरा दिमाग फ्राई हो गया। हाँ, उसका हर साल का इसका। हाँ, हाँ, कम कपड़े पहनते। हेलो हेलो डार्लिंग, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, बस अभी खत्म होती, मैं बस सीधे घर आ जाऊँ। हाँ, सब लोग इधर, सब लोग, क्या नाम आपका? हाँ है, सब है। नहीं नहीं, पूनम पूनम पांडे नहीं है। हर बार में पूनम पांडे को क्यों लेके आ रही हो? अरे मतलब, अरे वो डाली, वो डायलॉग्स है ना। हाँ, अरे आई प्रॉमिस हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं चल रहा। कुछ साल बाद दौर बदला और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में रंग भर गए। वो ध्यान कपूर के दिखा क्या? वाइफ ने बोला उसके साथ फोटो खींच के आ। खड़ा तू जाके खड़ा रहे। हाँ, मैं वाइड एंगल में फोटो निकालता हूँ उसके साथ। क्यों वाइड एंगल? अगर वाइड एंगल नहीं लिया ना तो खाली राम कपूर दिखाई देगा। उसका साइज देखा है? सच्ची तनु लगो रही थी ना तो वो खड़ी किधर है? ध्यान से देख, राम कपूर के पीछे। वो साक्षी तनु रहे, मेरे को लगा राम कपूर के बगल में से रुमाल निकल रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में। ये नहीं, ये सब, ये रोहित रॉय वगैरह क्यों बैठते हैं इधर? इन लोग को हमेशा आगे बिठा दे। मिलने काम हम तो करते नहीं। वहाँ आज अपन लोग को कुछ मिलेगा, लगता है कुछ जीतेंगे हम। पागल हो गया तू? ये शो बिजनेस है बॉस, डिजर्विंग कैंडिडेट को अवार्ड देने से क्या होगा? है ना? अच्छा बिजी है इसमें इन लोग को। तुझे तुझे पता है अवार्ड सिर्फ ब्राइब होती है, ब्राइब। सही है। देश का धारावाहिक बेस्ट सीरियल पॉपुलर गोज टू दिया और बाती हम। देखा, फिर से हर साल, हर साल, हर साल वही है। और की कोई वैल्यू ही नहीं होती यार। अवार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। एक्चुअली मैं तो समझता हूँ कि अवार्ड मिल गया ना तो मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली है ना, फिर किसी का नाम लेगा साला। किसी को भी अवार्ड? ये कौन है विकास? साला अच्छा? नाम से ही चोतियाल। नहीं नहीं झकास झकास। ये ऐसे असली आर्टिस्ट को आज तक कभी अवार्ड मिला है? मैं तो आना ही नहीं चाहता यार। आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना चाहिए हमें। We should boycott all these awards. Sure. We will not stand for false awards. We will not stand for chaplaincy. Jain does not believe in fake awards. Best anchor chat show का award जा रहा है Mr. Sumit Raghavan को. For Jain. अरे तू किधर जा रहा? तू बैठ जा। मम्मी थैंक यू, थैंक यू। इतने सालों से इधर आ रहे थे गिटार बजाने को भी अवार्ड नहीं मिला। थैंक यू अनुरंजन, थैंक यू शशि रंजन सर। मैं बोला ऑटो का भी लेगा I'll be back. I'm going backstage.
थैंक यू थैंक यू अबे चूत से आहिस्ता चला मम्मी पप्पा पटेल अंकल अवार्ड मिला थैंक यू थैंक्स अ लॉट। आप इस समय अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडिया के बेस्ट टीवी शो एंकर को जो अब टीवी पर नहीं है। बीजेपी अभी तक एफडीआई इन रिटेल के खिलाफ है। प्रेजेंट मूड में अगर कांग्रेस बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के फेवर में भी कोई बिल लाएगी तो भी बीजेपी उसे अपोज करेगी। अपोजिशन शब्द को बहुत सीरियसली ले लिया है बेचारों, और लेना भी चाहिए। लुक्स लाइक दे विल बी इन ऑपोजिशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इंग्लैंड ने इंडिया में आके हमारी क्रिकेट टीम की वाट लगा दी, धुलाई कर दी। मुंबई में खेले गए सेकंड टेस्ट में उन्होंने इंडिया को हराया अपने सीक्रेट वेपन मोंटी पानेसार के साथ। दिल्ली हो या मुंबई, मोंटी नाम के लोग आजकल हर जगह कातिलाना हमला कर रहे हैं। मोंटी की बॉलिंग देखकर लोगों ने उनका कंपैरिजन हरभजन से किया। अगर भज्जी इस साल एक दो विकेट भी ले लेना तो उनकी विकेट टैली में 300% ग्रोथ आ जाएगा। शायद उन्हें लेफ्ट आर्म बॉलिंग ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है कोई बैट्समैन उनको मोंटी समझ के आउट भी हो जाए। बाद में हम थर्ड टेस्ट भी हार गए। धोनी ने इंडिया की डिफीट्स का ब्लेम स्टेडियम के पिचेस को दे दिया। ऐसी कैसी पिचेस बना दिए जो इंडियन और इंग्लिश स्पिनर में डिफरेंस भी नहीं देख पाती। धोनी ऐसी पिचेस चाहते हैं जो इंग्लिश हाथों से निकली बॉल को स्पिन ना होने दे और इंडियन हाथों से निकली बॉल पर सीधे 90 डिग्री स्पिन कर दे। बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि अब वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया नहीं, बोर्ड ऑफ पिच कंट्रोल इन इंडिया बनेगा। सो इंडियन प्लेयर्स कैन सिंग अ बेटर ट्यून। खैर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इसी मनहूस नोट पर, क्रिकेट पर।